भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट लीगों में शामिल इंडियन प्रीमियर लीग में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रहा है। बोर्ड लीग के अगले संस्करण में पावर प्लेयर का नियम लाने पर विचार कर रहा है। इस नियम के तहत टीम मैच में कभी भी विकेट गिरने के बाद या ओवर खत्म होने के बाद खिलाड़ी को बदल सकती है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने INX से कहा कि इस विचार को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इस पर मंगलवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होने वाली IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी। अधिकारी ने कहा, हम ऐसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं जहां टीमों को अंतिम 11 के बजाय 15 खिलाड़ियों को चुनना हो और एक खिलाड़ी को मैच के दौरान कभी भी विकेट गिरने के बाद या ओवर खत्म होने के बाद बदला जा सके। हम इसे IPL में लाने की सोच रहे हैं, लेकिन आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस नियम को लागू करना सही होगा। अधिकारी से जब पूछा गया इससे मैच पर किस तरह का असर होगा, तो उन्होंने कहा कि यह नियम मैच का नतीजा बदल सकता है और दोनों टीमों के लिए हटकर सोचने तथा रणनीति बनाने को बढ़ावा देगा। अधिकारी ने कहा, सोचिए कि आपको 6 गेंदों पर 20 रन चाहिए और आंद्र रसल बाहर बैठे हैं क्योंकि वह पूरी तरह से फिट नहीं और अंतिम 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब इस नियम में वह स्थिति में मैदान पर आ सकते हैं और बड़े शॉट लगाकर मैच बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, इसी तरह आपको आखिरी ओवर में अगर आपको 6 रन बचाने हैं और आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी डगआउट में बैठा है तो कप्तान क्या करेगा? वह बुमराह को 19वां ओवर खत्म होने के बाद लेकर आएगा और फिर आप जानते ही हैं इस नियम में मैच को बदलने का दम है। IPL की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस नियम के अलावा सदस्य 2019 IPL की समीक्षा करेंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि आगामी सीजन को और लोकप्रिय कैसे बनाया जाए।